नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस समय देश में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक घमासान शिखर पर है और इस घमासान में महाराणा प्रताप ने भी एंट्री ले ली है, औरंगजेब ने भी एंट्री ले ली है और क्या क्या कहा जाए कि एक ऑफर की भी बात हो गई जिसमें कहा गया है कि सिसोदिया से, जिसमें सिसोदिया का ही दावा है और सिसोदिया ये कह रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाजपा नेता की, जो कह रहे हैं कि आपको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, सीबीआई, ईडी इन सब के मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे और आपको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। हालांकि इसका बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया है और कहा है कि सिसोदिया का भाजपा में कोई स्थान नहीं है। लेकिन एक और घोटालों में सिसोदिया गिर रहे हैं, परिवहन मंत्री भी घिरने जा रहे हैं। वही दूसरी अगर आप देखें तो गुजरात में अरविंद केजरीवाल दहाड़ रहे हैं। गुजरात में आज उन्होंने बड़ी बात कह दी, क्योंकि साथ में मनीष सिसोदिया भी थे, तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये भी मांग शुरू कर दी है। सवाल ये उठता है कि महाराणा प्रताप, औरंगजेब की जंग, भारत रत्न की मांग, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शिक्षा मंत्री और मामला शराब घोटाले का, ये सब बड़े बेचैन करने वाले लोग हैं, आरोप लगाने वाले और उस पर जवाब देने वाले। आज हम थोड़ा इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से मदन भाटिया, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से किशन लाल सुदर्शन, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मदन, आपसे सवाल है। सवाल ये है कि आपसे बड़ी उम्मीदें थी और ये माना गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब मुखर हुए, और इतना ही नहीं हुआ बल्कि आम आदमी पार्टी बना दी गई। उस समय लोकपाल की मांग की जाती रही, लेकिन जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते कुर्सी पर बैठ गई, आज उसी पर ही घोटाले के आरोप, उसी पर भ्रष्टाचार के आरोप, और फिर अगर एक आध होते तो चल जाता, यहाँ तो कई आरोपों पर आरोप हो रहे हैं और अब आगे कितनी परत खुलेगी कुछ पता ही नहीं चल रहा। मदन जी, इस स्थिति को आप असहज नहीं मानते? और जब आपके मोहल्ले में आपके लोग मिलते हैं तो आपसे कहते नहीं कि भाई क्या है, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने आए थे और आप खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए? हम आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और खुल के करते हैं। हमारी पार्टी का गठन ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हुआ है। केजरीवाल का मॉडल ही और उसके किए हुए 7 वर्ष के कार्य और लाभ में आई सरकार ये बताती है। पूरे देश में एक राज्य सरकार ऐसी है जो अधरंगी सरकार है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जिसके पास अपने निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है, अपनी ईमानदारी, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों से ही दिल्ली की सरकार आज लाभ की सरकार पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही, उत्तर प्रदेश में इतनी संभावनाएं हैं लाभ की क्यों नहीं, मध्य प्रदेश लाभ की क्यों नहीं, महाराष्ट्र लाभ की क्यों नहीं, हिमाचल राज्य एक बहुत अच्छा राज्य है लाभ की क्यों नहीं, उत्तराखंड लाभ का क्यों नहीं, हरियाणा लाभ का क्यों नहीं, मैं तमाम राज्य बता रहा हूं जहां पर इनके कब्जे हैं, जहां पर इनकी सरकारें हैं, वो लाभ का काम क्यों नहीं कर पा रही। तब
जब बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी राज्य चलाए जा रहे हैं इनकी सरकारें हैं, कहीं पर भी बिजली का रेट 7-8 रुपए नीचे यूनिट से नहीं है। किसी भी प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसी भी प्रदेश में निःशुल्क इलाज नहीं है, किसी भी प्रदेश में पानी की व्यवस्था निशुल्क नहीं। हम ये बता रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज उठाई है। एक आरोप हमारे दिल्ली के एक विधायक पर लगा था, उसको तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया गया। पंजाब के एक मंत्री पर 1% कमीशन मांगे जाने का आरोप लगा था, आधे घंटे के अंदर सरकार में शिकायत आते ही उनको बर्खास्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का काम तोड़ फोड़ मचाना, दलों को जिन पर राज नहीं कर पा रहे हैं उनके 2-3 आदमी जो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, इन्होंने तोड़े, उनकी सरकारें तोड़ी। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा है, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया था, इन्होंने उत्तराखंड में भी एक बार ऐसे ही किया है, इन्होंने गोवा में भी ऐसे ही किया था, मणिपुर में भी ऐसे ही किया था, अरुणाचल में भी ऐसे ही किया था। तो इनका काम है, जहां इनकी सत्ता नहीं है, एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद कुछ भी लागू करके ये सत्ता के भूखे हैं। और ये सत्ता, अगर इनको कोई कार्रवाई करनी थी, शराब के दो कांड हुए, शराब के देश में दो कांड हुए, एक मनीष सिसोदिया के नाम आया और एक गुजरात सरकार के नाम आया। ठीक है ना, अगर मनीष सिसोदिया चोर हैं, उन्हें घोटाला किया है तो FIR होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? हो गई, नहीं हुई? सीबीआई ने और ईडी को दस्तावेज, नहीं नहीं, सीबीआई ने ये कहा कि सूत्र बताते हैं जी, है ना, उसके बाद 14 घंटे की उसके बाद अगर कुछ आया था तो सामने रखते कि इतना घोटाला पकड़ा गया है, ईडी को दे दिया गया। और गुजरात में शराबबंदी है, वहां मेरा सवाल एक था, वो आप नहीं बता पा रहे। मैंने कहा कि जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते ये दावा करते हुए सत्ता में आई, अब उस पर अगर ये आरोप लग रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस खाली इसका जवाब सर, आप कुछ गलत नहीं महसूस कर रहे हैं जी, सारे आरोप झूठे हैं, गलत हैं। जितने भी मुकदमे आज तक आम आदमी पार्टी के किसी विधायक के खिलाफ लिखाए गए, दिल्ली में 40 विधायकों को पड़ा हुआ सत्येंद्र, जब ईडी को इतनी पावर है तो करोगे क्या? और सरकार कोर्टें डर रही है, कोर्ट भी तो देख रही है ना, अदालतें डर रही है। कानपुर का कांड आपके सामने है, कानपुर के एक मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, वो ऑर्डर शीट उठा के चला जाता है, जज की हिम्मत नहीं होती कोई कह पावे। लोया कांड आज तक पूरे देश में इतना चला, किसी की हिम्मत नहीं है बोल पावे। सुप्रीम कोर्ट का जब जज फैसला देता है उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। आप ये देखिए कितनी लालच, कितना दबाव, कितनी दहशत में पूरा देश चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है इस देश में। चलिए मदन जी, मैं आपकी बात समझ गया। किशन लाल जी, पहला सवाल ये कि केजरीवाल ने अभी अभी कहा है कि मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री है, और अमेरिका के अखबार ने पहले पेज में भी छाप करके उसकी पुष्टि कर दी है। तो कहा भारत रत्न मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए उसे आप शराब घोटाला, बस घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले में आप बदनाम करने में लगे हुए हैं। और उसका मात्र कारण ये है कि जैसा मदन बता रहे हैं कि आपको किसी तरीके से सरकार की तोड़फोड़ करनी है। आदरणीय वर्मा जी और हमारे काबिल दोस्त मदन भाटिया जी, जो बात अभी आपने प्रश्न किया था भाटिया जी से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, आवाज उठाते उठाते सरकार में आ गए और खुद ही भ्रष्ट हो गए। हमारे बहुत अच्छे समाज से भी इस देश में माने गए माननीय अन्ना हजारे जी, उन्होंने, उनके साथ आप भी थे हमारे, उस पर उन्होंने बिल्कुल कहा इस दुनिया को, इस देश में, और वो नारा गूंजा भी कि भ्रष्टाचार को करो बहिष्कार और ईमानदारी को करो स्वीकार। ठीक आज जो बीजेपी को बदनाम करने वाली बात कह रहे हैं कि इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, देखो ये स्वतंत्र संस्था है, ये स्वतंत्र काम करती है, उसका सामना हमने भी किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, मतलब जो भी हमारे लोग हैं वो सामना करते हैं।
तो आज अगर सिसोदिया साहब बड़े महान हैं या बड़े ईमानदार हैं या बहुत बड़े शिक्षा मंत्री दुनिया के माने जा रहे हैं, तो जो मुंह में जो इस तरह से जो आरोप लगा है, आप आरोप के उसमें आए हैं, इसका सामना करें और सामना करके बताएं कि कितना हम ईमानदार हैं। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो बीजेपी हमारी शासन में है, शासन का काम अपना शासन करना, और चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये ऐसे प्रकरण का जांच करती जो मामला आ जाता है और उसको ये जोड़ा जाए कि सब केंद्र के सारे से, बीजेपी के सारे से, माननीय मोदी जी के सारे में काम हो रहा है, ये सरासर गलत है। जो करेगा जिस तरह से वो उसको पाएगा। हम देश को बनाने में लगे हैं, हमारा नारा है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक उत्पाद। हम हर घर को काम देना चाहते हैं, घर घर पानी देना चाहते हैं, घर घर बिजली देना चाहते हैं, घर घर सफाई देना चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दीक्षा चिकित्सा सारी सुविधा देते चले आ रहे हैं। आने भी हमारी योजना है इस प्रदेश को, इस देश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। देख लीजिए कानून राज की व्यवस्था कैसी है। एक बात क्या खत्म करता हूँ, मैंने भ्रष्टाचार के मामले में हमारे योगी पर कोई उंगली उठा ले, माननीय योगी जी पर भ्रष्टाचार के मामले में हमारे केंद्र में सरकार चल रही है, कोई उंगली उठा ले, किसी के अंदर साहस नहीं है। क्योंकि हम जो कहते हैं कि ईमानदारी से सरकार, हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी रास्ते पर माननीय योगी जी भी चल रहे हैं कि जो एक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है, एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। हो गया, हो गया। अब किसान जी मेरे सब सवाल और सुन लीजिए, उसके बाद मैं मदन जी के पास, मदन जी आपको इन सब बातों का जवाब देना है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। किसान लाल जी ये बताइए कि अगर उनके ऊपर घोटाला है, आप उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं, आप लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं, आपने सुन लीजिए आप उनको जो है मुकदमा कायम करके और अब ईडी के पास भेज रहे हैं। एक तो ये, और वो तो कहते हैं कि हम तो खुलेआम घूम रहे हैं, हमको जहां चाहो बुला लो, गिरफ्तार कर लो। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये आरोप आपके ऊपर लगता है, अभी मदन जी भी लगा रहे थे कि आप सरकारों में तोड़फोड़ करते हैं, और उसका एक सबसे बढ़िया जो उदाहरण और दावा आज मनीष सिसोदिया ने किया कि मेरे पास एक ऑफर आया जिसकी उनके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पेश कर ना, और उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग, इसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ दे, हमारे भाजपा में आ जाए, तो हम आपको मुख्यमंत्री भी बना देंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? श्रीमान जी ये सरासर गलत है। माननीय सिसोदिया साहब ये साबित करना चाहते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि सीबीआई उनके कहने पर चल रही है, ईडी उनके कहने पर चल रही है, और अगर आप हमारे पाले में आ जाएंगे तो हम सीबीआई की जांच खत्म कर देंगे, सभी मुकदमे खत्म कर देंगे। बिल्कुल मिथ्या है, कहीं पर भी ये सच्चा इसकी नहीं है। अगर आप वो कहते हैं कि हमारे पास वो है, टेप रिकॉर्ड है, आवाज है, देश के सामने पेश करें। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है, मदन बढ़ रही है, बहुत खुला चैलेंज किया किशन लाल जी ने कि आप फिर काहे नहीं पेश कर देते हैं रिकॉर्डिंग, पेश कर दीजिए, खत्म हो गई बात। वक्त आने पर वो रिकॉर्डिंग भी पेश होगी, वक्त आने पर भी। और सुन लीजिए आप, इनके यहाँ एक वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, मुकुल राय सारी जांचें थी उसके खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के शारदा चिट फंड घोटाले की, नारायण राणा के खिलाफ महाराष्ट्र में जांच थी, वो जांचें कहां चली गई? रॉबर्ट वाड्रा से पिछले 8 साल से जांच हो रही है, उसको आज तक अंदर क्यों नहीं किया गया? अगर उसने जमीन का घोटाला किया था, हरियाणा में सरकार अब इनकी आ गई, इनको सिर्फ दर्द इस चीज का है जो शराब नीति दिल्ली सरकार ने बनाई थी उसमें दिल्ली सरकार को आशातीत सफलता मिली, राजस्व में आशातीत बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से जनता को और सुविधाएं देने का वो काम कर रहे हैं। ये जनता को सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति ये नहीं है। ये जनता पर टैक्स लगा सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, ये शासन के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं। इनको लगा 7 साल में सारे दल टूट चुके, कांग्रेस तोड़कर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बना ली, शिवसेना तोड़कर उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार बना ली,
आम आदमी पार्टी का एक अदना सा पार्षद भी नहीं टूटा इनसे, अदना सा कार्यकर्ता भी नहीं टूटा इनसे, अदना सा विधायक भी नहीं टूटा इनसे। अब ये इनको बसों में भी, क्योंकि बसों में पूरे देश में सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो महिलाओं को निःशुल्क बस की यात्रा कराता है, उसके बाद भी वो घाटे में नहीं है। पूरे दिल्ली 200 यूनिट बिजली माफ करता है, 400 यूनिट बिजली हाफ करता है, उसके बाद वो घाटे में नहीं है। वो पूरे देश में शिक्षा का एक मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें ऐसी परिस्थितियां बनी कि आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति को की पुत्री को आना था तो इनके पास पिछले 25 साल से गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल दिखा के पूरे देश में सत्ता पे आए हैं ये। ये गुजरात का एक स्कूल दिखाते थे, मना करते थे, ये हमने उनको लाया था, प्रोग्राम इनका बनाया हुआ था, उसने दिल्ली का वो देखा। अभी केजरीवाल जी को एक सम्मेलन में सिंगापुर जाना था, इन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी, एलजी ने फाइल लटकाए रखी। जब एट द 11th आवर जब सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो इनको कहा गया कि अब आप जा सकते हैं 24 घंटे पहले। तो ऐसी स्थितियां आप जानते हैं, जब सिंगापुर में अगर देश के किसी मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, अगर वो केजरीवाल जी वहां जाते तो सम्मान भारत का बढ़ता, केजरीवाल का ना बढ़ता। इनको एक कमी है इनके अंदर कि ये जो काम नहीं कर पाते उसको ये तोड़ने का, फोड़ने का, मरोड़ने का, निचोड़ने का काम ये करते हैं। चलिए एक बार बताइए मदन, एक सवाल भी उठ रहा है कि आज जब ये ऑफर आया तो सिसोदिया जी ने कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ऐसे भ्रष्टाचार षड्यंत्रकारियों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, सर कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। जब ये बात सिसोदिया जी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और कहा आप तो हमेशा इबादत करते रहे औरंगजेब की, औरंगजेब की पूजा करते रहे, आपके महाराणा प्रताप कहाँ से आ गए? और महाराणा प्रताप ने तो देश की रक्षा की थी, महाराणा प्रताप ने तो कोई सर आपका काम ही नहीं किया था, ये तक कह डाला। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर एक ही बताऊं मैं आपको, सर आपका काम खाली मनीष सिसोदिया व्यक्तिगत रूप से नहीं करते और दिल्ली सरकार नहीं करती, पूरे देश में शराब नीति है, उत्तर प्रदेश में भी एक शराब नीति है। बहुत खुल के बताता हूँ, आप भी घर से निकलते हो, मैं भी घर से निकलता हूँ। आजादी के 75वें वर्ष में पूरे देश में शराब नीति में बदलाव हुआ है। मेरे कृष्णानगर क्षेत्र में मात्र एक देशी शराब का ठेका होता था और अंग्रेजी का। आज हमारे जीटी रोड पर 200 मीटर के अंदर 5 ठेके अंग्रेजी के हैं। सुन लीजिए, ये शराब नीति सरकार ने बनाई है ना? मैंने तो नहीं बनाई है, ना ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, ना ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ना ही यहाँ पे किसी समाजवादी पार्टी की सरकार है। इस वक्त तो योगी जी है जो बाबा है। हम ये कह रहे हैं कि इनका काम सिर्फ ढोंग करना है, ये ढोंगी लोग हैं, इनका काम सिर्फ दूसरे को कैसे नंगा किया जा सके, मीडिया पर कैसे कब्जा किया जा सके। अब ये चाहे मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं महाराणा प्रताप, मैं कहता हूं कि मैं गांधी के देश का हूं, क्या मैं गांधी के देश का नहीं हूं? मैं कहता हूं कि मैं सुभाष चंद्र बोस के देश का हूं, मैं सरदार भगत सिंह के देश का हूं जिसने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था, क्या मुझे देशवासी नहीं कहा जाएगा? ठीक है, मेरे फोरफादर पाकिस्तान से आए थे, एक समय बंटवारा भी हुआ था, आज बंटवारे वालों को भी कहा जा रहा है कि ये युद्धवीर हैं जो उस वक्त बंटवारे में सब कुछ लुटा कर यहां पर आए, भारत को उन्होंने अपनी संपदा बनाया। और एक तरफ आप हम लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, एक तरफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका काम लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना है और लोकतंत्र का गला दबाना है। ये जो लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरे देश में बोल रही है, इनके जो 11 लाख करोड़ इन्होंने अपने साथियों का माफ किया उसको प्रमुखता से उठाया गया है, इनकी जो शराब में 54 लोगों की मृत्यु गुजरात में हुई, भाई सीबीआई की जांच वहां क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटित किया गया पुल 6 दिन के अंदर बह जाता है, ढह जाता है, धस जाता है, उसके खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया? उस मंत्री के खिलाफ जिसने उद्घाटन कराया, उस पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उसके खिलाफ ईडी की जांच क्यों नहीं हो रही? उन्होंने मेटीरियल अगर खराब किया है, सीबीआई की जांच क्यों नहीं हुई? भ्रष्टाचार के मुकदमा कायम क्यों नहीं हुए? हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर मनीष सिसोदिया दोषी है तो सबसे पहले मदन भाटिया कहेंगे कि उनको जेल में जाना चाहिए। ठीक बात, लेकिन झूठे आरोप लगाकर पार्टी को तोड़ने की नीयत से इस तरह के षड्यंत्र रचना, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। औरंगजेब की बात की गई है कि आप तो हमेशा औरंगजेब की बात, देखिए हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। हमने अपने हम तो आज तो रावण महाराणा प्रताप की बात की आपने ना? नहीं, महाराणा प्रताप का वंशा जो है, अगर वो उनके रक्त बीज है तो बुराई क्या कहना? मैं व्यापारी पुत्र हूँ, मैं अगर व्यापारी पुत्र अपने आप को कहलाता हूँ तो व्यापारी शहर में बहुत सारे, मैं सबका पुत्र थोड़ा हो जाऊंगा, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, व्यापारी पुत्र हूँ। अगर वो वंशज आ रहे हैं, उनकी वंशावली आ रही है क्षत्रियों की, तो उसमें बुराई क्या है? हर व्यक्ति कहता है।
तो आपके हिसाब से आप औरंगजेब के लिए सबकी वो करते हैं, सबकी सबकी सर्वधर्म संभव, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दर्शन आप बताइए, ये राजनीति होगी कि महाराणा प्रताप औरंगजेब होगा, अब ये राजनीति होगी कि ऑफर दिया जाएगा, सरकार को तोड़ने का काम किया जाएगा, ये तो क्या आप सोचते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति मजबूत होने जा रही है? और अगर केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे मार्ग में अड़चने डाल रहे हैं, इन अड़चनों के बावजूद अब आगे बढ़ेंगे, और उसका एक ताजा उदाहरण कि आपने इतनी घेराबंदी की लेकिन आज वो गुजरात फिर पहुंच गए और वहां पर भाषण दे रहे हैं, धार रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी धार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी, क्या कहेंगे इसका, क्या जो है इंपैक्ट? पहले चीज मैं कह दूं, हाँ, कि आदरणीय केजरीवाल जी जो उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, वो देश की गंदगी को दूर करना चाहते थे, देश से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते थे, अब वो झाड़ू का प्रयोग अपने आप में करें। और जो एक प्रमुख नाम उभर कर आया है माननीय सिसोदिया साहब का, पहले झाड़ू लगाने का काम यहाँ से शुरू करें, तब एक तस्वीर जाएगी कि वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी झाड़ू काम कर रही है, नंबर एक। नंबर दूसरा, औरंगजेब को भी मानेंगे और हमारे महाराणा प्रताप को मानेंगे, क्योंकि दोनों की नीतियां इतिहास अलग अलग है, तो हम तो साफ कहेंगे कि दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा, सरासर मोम या सरासर संग हो जा, ये दो रंगी नीत नहीं कि हम औरंगजेब को भी मानते हैं। औरंगजेब तो हमारे जब आक्रमण था, औरंगजेब ने तो यहां पर कत्लेआम कराया, औरंगजेब ने तो क्रूरता के साथ धर्म परिवर्तन कराया, तो उसको हम महान मानेंगे? अरे महाराणा प्रताप स्वाभिमान के प्रतीक थे, एक मान सम्मान के प्रतीक थे, देश के लिए मरने में इतने के प्रतीक थे, अब उनका उनका एक साथ करें कि हम इनको भी मानेंगे, इनको भी मानेंगे, ये दोरंगी नीति है। आप पहले ये सोच ले कि हमें कहां पर चलना है। नंबर तीसरा, अब लोग कह रहे हैं भाई लिखा है कि घर में आग लग गई घर के चिराग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से, घर खुद चल रहा है उनकी अपनी कमियों से। बिल्कुल, गुजरात में हुआ यही, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपकी बात करने सरकारें 54 लोगों की मौत हो गई जिस उस राज्य में जहां पर शराबबंदी है। देखो सरकारें कहीं भी सरकार अगर है, ये कारण कि हम शराबबंदी में शराब कैसे आ गई, सुन लीजिए, तो पुलिस काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही, पहले बात तो सुनिए, आपकी बात सुनता रहा मैं, हाँ मेरी बात सुनिए। देखिए सरकारें हमें तोड़ना, हम तोड़ने वाले नहीं हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। रही आपकारी नीति घोटाले के मामले पर, ये बात सत्य है कि शराब कुछ राज प्रदेश को छोड़कर सभी प्रदेशों में वितरण हो रही, बच रही है, चल रही, बिक रही है, ठीक है। लेकिन जो उसकी नीति निर्धारित होनी चाहिए वो भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। एक ऐसा अब जो जानकारी में आई, जो थोड़ा सीबीआई की बात निकल, थोड़ी जब झलकी आई है, अभी तो पूरा प्रकरण बाकी है, कि जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया उनको लाइसेंस दे दिया गया, ये कहां के नीति है? मतलब जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि इनको नहीं मिलना चाहिए, और उनको लेन देन करके अब उनको इलाज कर रहे हैं, तो इस तरह तमाम से घोटाले। लेकिन सीबीआई इसकी जांच कर रही है, ईडी इसकी जांच कर रही है, आपको भी इंतजार करना चाहिए, वो हमें भी इंतजार करना चाहिए, आपको सामना करना चाहिए, और जब रिजल्ट सामने आएगा उसको हम करेंगे। हम देश को बनाने निकले हैं, आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे केंद्र सरकार ने, इस आप देखिए कि 70 सालों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारी उत्तर प्रदेश ने 35 और मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये हमारी उपलब्धियां हैं कि कानून राज हमने इस प्रदेश में स्थापित किया। यहाँ गुंडा राज था, यहाँ आतंकवाद था, लेकिन हमारे बीजेपी सरकार ने गुंडा राज खत्म किया, आतंकवाद खत्म किया। हमारी बीजेपी सरकार ने बिजली की व्यवस्था पे मारा मारी थी, आज बिजली समुचित व्यवस्था हो रही है, पूरी बिल्कुल सबको बिजली मिल रही है, ऐसा नहीं सबको, और हम और इसमें अधिक सुविधा, और अधिक सुविधा हम देने जा रहे हैं, हम उसमें लगे हुए हैं। हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, उत्तम देश बनाना चाहते हैं, हम उन सबको
अधिकार देना चाहते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबको अधिकार दिलाए हैं भारतीय संविधान में, उन अधिकारों का उपयोग हम उनके लिए करना चाहते हैं। अच्छा लेकिन आप सर्व समाज के बारे में सोचते हैं, दलित हो, सब समाज के बारे में सोचती है। जो हमारा नारा है सर्वग्राही सर्वतरसी सर्वग्राही सर्वतरसी। साउथ में एक अस्पताल बनना था उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बनाया है, ये जग जाहिर है। वो अस्पताल के लिए जगह आरक्षित थी, सुरक्षित थी, संरक्षित थी, उस पर कब्जा करके इन्होंने सच्चाई नहीं है औने पौने दाम में विकास प्राधिकरण से लेकर अपना कार्यालय बनाया है। अरे हम अगर सच्चाई नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं अब लिख के दीजिए, जांच कराइए। जैसे आपने कहा कि अगर सौदेर साहब अगर भ्रष्ट निकलेंगे तो मैं उसका विरोध करता हूं। आप क्या तो वही चोर है, वही साहूकार है। अरे तो मैंने तो देखा अदालत से कैसे ऑर्डर शीट चोरी होती है, कुछ नहीं होता, मुझे कोई मतलब नहीं। आप लोग निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक चिंता, हम सिर्फ सकारात्मक सोचते हैं। वही आपकी सोच आपको घुसी जा रही है आपके अंदर, आप लोग परेशान इसीलिए है, बिल्कुल घुसी जा रही है। ये जो जलन आपको है भाषा है, बहुत काबिल दोस्त है, बिल्कुल फूल चुभ रहे हैं कि सिसोदिया अच्छी शिक्षा नीति कैसे ले आया और सत्येंद्र जैन एक मोहल्ला क्लिनिक से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों ले आया। आप चिड़ है चीज को, ये बात सुनिए, जिस पर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही हो उसको हम भारत रत्न की उपाधि की बात कह रहे हैं। इतनी बात कहता हूं सर, केजरीवाल जी कह रहे हैं, दिनेश खट्टिक मंत्री ने, दिनेश खट्टिक मंत्री ने बात है, दिनेश खट्टिक मंत्री ने भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही हो उत्तर प्रदेश के साबित हो गया है, कहा था उसको नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हुआ है, सारे समाचार पत्र छाप रहे हैं, सारे समाचार पत्र छाप रहे हैं, 1500 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी को गंगा साफ करने के लिए मिला है, वो पैसा कहां गया, घर के नाने आदि गिर रहे हैं, उनको हटाओ, भ्रष्टाचार हम कह रहे हैं, अडानी की बात कर रहे हो, पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही, तो केजरीवाल पहले ऐसे बेमान सुसोजाय साहब जो मैं गंगा पुत्र हूं, हटाओ, मैं गंगा पुत्र हूं, बेमान ने मुझे बुलाया है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा नमामि गंगे का कार्यक्रम हो गया है, अडानी को समाचार पत्र लेकर गलत छापा है, उस समाचार पत्र जांच की जाए, जितने भी मंत्री हैं केंद्र सरकार में किसी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं लगा, खुल के मुकदमा है देश में, उमा भारती भागी इसलिए, नमामि गंगे में 7000 करोड़ का घोटाला किया, इसलिए भागी नमामि गंगे में, दिनेश खट्टिक ने खुल के कहा क्यों नहीं दिनेश खट्टिक के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्होंने ये बात नहीं कही, खुल के कही, बात नहीं समाचार पत्रों ने छापी, प्रशासन की उदासीनता पर अपनी बात, प्रशासन करेगा काम कि भारतीय जनता पार्टी ने नमामि गंगे मंत्रालय अलग से बनाया, नमामि गंगे मंत्रालय अलग से बनाया गया, नहीं बिल्कुल नहीं, पर कहती भ्रष्टाचार पर बात नहीं कही, पूरी भ्रष्टाचार पर बात नहीं कहती, नमामि गंगे में जितना भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार मिटाना है आपके लोगों को कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे साथ दाएं बाएं और भ्रष्ट लोग बैठे हैं बिल्कुल उनको हटाओ, भ्रष्टाचार की बात करो, मतलब खुद भ्रष्ट हो भ्रष्टाचार की नहीं, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार नहीं है, गंगा जाकर देखिए डाले कितने के मोदी जी की टीम देख चुकी, एक थोड़ा संशोधन कर लीजिए, दिनेश खट्टिक ने अपना जो त्याग पत्र दिया था और जो प्रकाश में आया था अमित शाह को, उसमें नमामि गंगे के भ्रष्टाचार की बात की थी उन्होंने, इसे संशोधन कर लीजिए। खैर हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, हम चर्चा कर रहे हैं आप बनाम भाजपा की, इसको लेकर के इस समय घमासान मचा हुआ है। मदन जी आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो परेशान हो गई है और अब वो तोड़फोड़ करने में लगी हुई है। आपका ये भी कहना है कि पहले रेवड़ी की बात की गई, अब उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो हमारा मॉडल है, ये है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप मोदी से लोकप्रियता की तुलना करते हैं तो कहाँ मोदी और कहाँ अरविंद केजरीवाल, अगर आप देखें तो पूरे देश में छाए हुए हैं मोदी, अगर आप कोई भी आप कहाँ हैं, आप तो लोकसभा में एक आपका सदस्य तक नहीं है, नंबर एक
और नंबर दो आप ले लेकर के दिल्ली और अभी आप बीजेपी पंजाब में पहुंच गए जहां की क्या स्थिति है वो आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे मोदी से अपने अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता की तुलना करते हैं? सर एक चीज देखिए, आप लोकप्रियता की तुलना समय से भी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने यह लक्ष्य कितने वर्षों में प्राप्त किया, एक राज्य प्राप्त करने में उनको 35 साल लग गए। हमने 1.5 साल के अंदर एक राज्य में 28 सीटें जीती, दोबारा में हम 67 सीटें जीत के आए, तिवारा में हम 63 सीटें जीत के आए। 7 साल में हमने दिल्ली को लाभ में पहुंचा के दिखाया और उसके बाद हमने पंजाब में सरकार बनाई, उसके बाद गोवा में हमको राज्य की पार्टी का दर्जा मिल गया, अब हम हिमाचल में और गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मजबूत प्रदेश माने जाते हैं, पिछले कई सालों से कई कई टर्म उनके मुख्यमंत्री हैं, दोनों की जमीन सरक गई है, धरक गई है। ये हम इसलिए इस दावे के साथ कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने एक महीना पहले राजकोट में व्यापारियों के साथ बात की थी। उन्होंने कहा था मैं व्यापारियों से चंदा मांगने नहीं आया हूं, मैं व्यापारियों को अपनी सरकार में पार्टनर बनाने आया हूं। दिल्ली में मैंने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया है, राजस्व की आशातीत बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने पंजाब का बताया कि जितनी हमने बिजली माफ की है लोगों की, 3 महीने में जीएसटी का इतना राजस्व आ गया हमारे करों का कि हमारी बिजली माफ 1 साल तक की फ्री हो गई है, 600 करोड़ रुपया तिमाही में बढ़कर आया है। ये मॉडल है ईमानदारी का। आपको पता है कि हमारे यहां अगर किसी को आवास प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो ऑनलाइन करने के बावजूद लेखपाल इंस्पेक्टर खून पी जाते हैं और काम नहीं करते हैं, नगर निगम के लोग जवाब नहीं देते हैं। दिल्ली में 29 सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन हैं, आपने अगर ऑनलाइन कर दिया है उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि आपके दरवाजे पहुंचेगा, उसको वेरीफाई करेगा और तुरंत आपको बना कर देगा उस चीज को, 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, अगर किसी को बहुत अर्जेंट है बना के देगा। तो अगर वो मॉडल एक पेश कर रहे हैं, हम लोगों को ये काम करके दिखा रहे हैं, तो इनको जलन क्यों हो रही है? दूसरी बात, सरकार का काम जो अब हम फिर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की, सुनिए, सरकार का काम है एक ऐसी नीति बनाए जिससे राजस्व ज्यादा आए, यही तो नीति सरकार की है। हमारी जीआईएस सर्वे लागू किया गया कि हमारे इंस्पेक्टर राज नगर निगम में था, वो जाते हैं घरों में, किसी के 2 कमरे वाले को 1 कमरा दिखा देते हैं, 10 कमरे वाले को 2 कमरा दिखा देते हैं और 1 कमरे वाले को 5 कमरे दिखा देते हैं। उन्होंने जीआईएस सर्वे किया, इसको कुछ चौंचौं हुई, देश ने स्वीकार किया, शहर ने स्वीकार किया, नगर निगम का राजस्व बढ़ गया। सरकार का काम ऐसी नीति लागू करना है कि भ्रष्टाचार भी ना हो और राजस्व भी बढ़ जाए। इस पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ, राजस्व बहुत बढ़ गया। राजस्व बढ़ने का एक कारण और हुआ, दिल्ली में उन्होंने एक पर एक फ्री की शराब की बोतल, उसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो लगे हुए सीमावर्ती नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये योजनाएं तमाम कंपनियां भी करती हैं, एक पर एक फ्री है। अभी हम आपके चैनल पर देखते हैं दिन भर, अमेजॉन भी एक योजना लेके आता है, फ्लिपकार्ट एक योजना लेके आता है, तमाम व्यापारी पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स लेके आते हैं, तनिष्क लेके आता है कि 25% मेकिंग पर छूट है, पीसीजी ज्वेलर्स लेके आता है हीरे पर 20% छूट है। ये हर व्यक्ति सीजन के अनुसार, तमाम श्रीनगर साड़ी कानपुर में देती है। मैं बात कर रहा हूं, आप वहां दूसरे नहीं, नहीं सुनिए, हमारी लोकप्रियता हमारे हमारी लोकप्रियता हमारे कामों से है और हम बता रहे हैं कि हमने 7 साल में 3 राज्यों में अपना एंट्री कर दी है, चौथे राज्य में हमारी एंट्री होते ही 6% वोट मिलते ही हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। एक चीज बताइए, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है, चाहे ममता बनर्जी हो, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, मायावती 3 बार रह चुकी, मुलायम सिंह का परिवार 4 बार रह चुका, एक राज्य से दूसरा राज्य ये नहीं देख पाए, जयललिता नहीं देख पाई, चलो हमने एक राज्य से दूसरे राज्य पंजाब में जाकर अपनी सरकार बनाई और जनता के हित का बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, सुन लीजिए, पहले मुकुल राय पर सारे ऐसे ही यही यही चाल इन्होंने दाना फेंका मनीष सिसोदिया पर भी। आज मनीष सिसोदिया ने स्वयं कहा कि मुझको कहा गया है कि आप अपनी पार्टी तोड़ दो, ये जीत के हमें अपनी योजनाएं अच्छी बनावे, कोई बुराई नहीं। एक मिनट किशन लाल जी, जो बात बता रहे मदन भाटिया, इनका कहना है कि जितने और नेता है तो सब अपने राज्य तक सिमटे हुए हैं,
हम तो अपने राज्य से बाहर चले गए, पंजाब गए हैं, अब हम गुजरात में पहुंच रहे हैं, गुवाहाटी में बोल रहे हैं, तो लोकप्रियता हो सकता है। ये बात इनकी हम नहीं मानते, लेकिन इतना हम मानते हैं कि मोदी की जो लोकप्रियता है उससे तो खैर अरविंद केजरीवाल दूर हैं, लेकिन लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है, आधार तो बढ़ ही रहा है, तो इसमें क्या आपको कहना है श्रीमान जैसा है? हाँ, पहले चीज तो मैं साफ क्लियर कर दूं, जैसे लोग कभी कभी किसी के व्यक्तित्व के कृतित्व के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि हम सूर के सामने दिया का क्या महत्व। आज माननीय मोदी जी सूर्य हैं, आज माननीय मोदी जी एक सूर्य हैं, एक दीपक हैं, जिसे जो एक जो दिया जाता हो धाम। मैं केजरीवाल साहब को बड़ा अदब के साथ नाम लेता हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किताबों में जांच में हर चीज निकल कर आई है कि मोदी जी दुनिया के टॉप नेताओं में आए हैं, ठीक है ना? एक विषय तो एक खत्म हो गया। रही लोकप्रियता की बात है, आज आप देखिए कि हमारी पहली स्थिति क्या थी और आज हम सब जगह पर अपनी सरकार बना रहे हैं, जहां अगर विपक्ष में है तोड़फोड़ करके पहले सुन, जहां विपक्ष में है कोई बुराई नहीं, अरे सुन लीजिए पहले बात, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, मेरी बात बात सुनो। आज हम कहीं पे मिलजुल के सरकार चला रहे हैं, कहीं अपने अपने सत्ता पाकर बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। हमारी लोकप्रियता में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। माननीय मोदी जी एक भ्रष्टाचार के बहुत बड़े सख्त खिलाफ निकल कर आए, तो उन्होंने सिर्फ भाषणबाजी से नहीं, उन्होंने सिस्टम बदलने का काम किया। सभी रिकॉर्ड बता रहे हैं 11 लाख करोड़ रुपए उद्यमियों को वापस किया, गरीबों पर जीएसटी लगाया। पहले बात सुनने का, हम उतना सहमत होंगे आपसे, परवाह नहीं आपने बात, हम उतना सहमत होंगे इतना होना चाहिए। हमारा मतलब कहने का है कि भ्रष्टाचार को हम कैसे खत्म करें, क्या सिस्टम दे, तो माननीय मोदी जी ने सिस्टम दिया। उदाहरण तौर पर जनधन योजना, ये इतनी गजब की योजना है कि जो माननीय जो मरहूम हो गए राजीव गांधी जी क्या करते थे कि 100 रुपए चलता था तो 85 रास्ते में ही खत्म हो जाते थे और 15 पैसे किसी गरीब को मिलते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने वो सिस्टम बदल दिया, क्या कि ऐसा सिस्टम बनाया जनधन योजना के माध्यम से कि जल्दी से पैसा चला, एक मिनट में नहीं लगेगा, एक सेकंड में सारे खाते में चला जाएगा। तो ये इसको कहते हैं एक जनधन योजना, एक सिस्टम। 90% खाते बंद हो गए जनधन के। 2 लाख करोड़ रुपया सुन लीजिए, 2 लाख करोड़ कांग्रेस के समय में 2G स्पेशल घोटाला हुआ था, आज हमने ऐसा सिस्टम वहां पर बनाया, आवंटन नीति ऐसी हमने वहां पर रखी कि बीएनएल खत्म हो गया, उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा में फायदा हुआ। अच्छी योजना बनाई हम, हमारा सरकारी संस्था बेच दो कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जियो का प्रचार करो, बड़ा बात सुनिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार के पोषक है भारतीय जनता पार्टी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब सिस्टम आज बड़ा उससे मैं फटाफट से कहता हूँ कि पूरे राष्ट्रीय वाले जितने भी केंद्रीय नेतृत्व हमारा है, केंद्रीय नेतृत्व है जितने भी है, किसी पर कोई आरोप भ्रष्टाचार नहीं लगा सकता। हो गया किशन लाल जी, हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये आज हम फख्र से कहते हैं कि हमारे नेता ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज का विषय सिर्फ जो खास तौर से है वो भ्रष्टाचार पर है। तो आज जो भ्रष्ट हो गया हो, जो भ्रष्ट हो गया हो आपके लोग, अब वो दुनिया से हंसी आती है, भ्रष्ट है खिलाफ बात कर रहे हैं, पहले चेहरे में लगी हुई चेलमा को बात करो। किशन लाल जी एक मिनट रुकिए, मदन जी अभी आपने लोकप्रियता की बातचीत की और ये भी कहा जाता है कि आने वाला चुनाव जो है मोदी बनाम केजरीवाल होगा, तो आप एक राज्य में बढ़ गए तो आपने तुरंत कह दिया कि मोदी बनाम केजरीवाल है। ये मुंगेरीलाल के सपने हैं। एक मिनट, आपके लोग मुंगेरीलाल के सपने देखा करते हैं। एक मिनट, लेकिन आप कांग्रेस को क्या मानते हैं, जहां पर कांग्रेस की अभी भी जो है राजस्थान में छत्तीसगढ़ में सरकार है, नंबर एक। नंबर दो आपको और बता दें कि कोई ऐसा राज्य नहीं होगा
जहां पर 10% 8% यहां तक कि 15% तक कांग्रेस का वोट है। अगर आप देखें तो उनके पार्लियामेंट में भी मेंबरों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सपना देख सकते हैं? क्या भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होगी, भाजपा बनाम आप कैसे होगा, ये आपको समझा दीजिए। देखिए वर्मा जी, कांग्रेस के किसी भी आरोप प्रत्यारोप पर भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से चैनल्स पर नहीं आती है, और कांग्रेस अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी नहीं दे पाती है। हमने जनता के बीच में 7 साल में बेहद ईमानदारी से, बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से काम करके दिखाया है। फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमको एक प्रदेश में सरकार ऐसी बता दे उसकी लाभ की चल रही हो, जिसमें सारी चीजें हो, या तो अधरंगी सरकार हम चला रहे हैं, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, दिल्ली में हमारे पास नगर निगम नहीं है, और नगर निगम के चुनाव होने जा रहे थे, इनको पता था कि तीनों नगर निगम हार जाएंगे, इन्होंने नई योजना ले आए कि हम, इन्होंने ही 3 किए थे, 5 साल में ये फेल हो गए, इनको इनकी योजना फेल हुई, इन्होंने फिर एक करने की बात की। अभी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसको ये भरमाएंगे, इसको लेट करेंगे, इनको लग रहा है कि मेरी जमीन नीचे से सरकने जा रही है, और आम आदमी पार्टी इसलिए टक्कर ले रही है भारतीय जनता पार्टी से कि इनके जो बड़ा गृह क्षेत्र है इनका गुजरात, उसमें बहुत खूबसूरत एंट्री हुई है। आपको एक बात बता दूंगा, यूपी में तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अरे विधानसभा चुनाव में सब जमानते थे जब तो गई। देखिए एक चीज हम बता दें आपको, चुनाव है, ये माहौल बनता है, एक माहौल बना कि अखिलेश यादव बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, सारे चैनल 200-300 सीट 250-300 सीटें दिखाने भी लग गए। ये एक कभी कभी राजनीतिक चाल को कोई राजनीतिक दल समझ सकने में अक्षम भी हो सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती है कि हमारे नेतृत्व से हुई हो, हमारे प्रत्याशियों से हुई हो, अपनी बात को ना कह पाए हो, ना पहुंचा पाए हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इस चट्टान को जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप कह रही है अपने आप को, इसमें दरार जरूर डाल देंगे 2024 में। फिर बता रहा हूं मैं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के अधिकारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। गुजरात में परिवर्तन की लहर चल चुकी है, हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल चुकी है, और हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। इन 3 राज्यों में चुनाव हो जाने दीजिए, आपको अपने आप पता लगेगा कि वेव किधर जा रही है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, ये आम आदमी पार्टी आम आदमी के दुख और दर्द को लेकर कैसे उनके बीच जा रही है। आज हम बता दें आपको, केजरीवाल जी ने पिछले महीने जाके कहा था कि जितने भी सैनिक बॉर्डर पर शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए के हम राशि देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको परसों लागू कर दिया, 3 दिन पहले, कि हम उन मृत सैनिकों को जो अब होंगे, तो हमारी मांग है उसके साथ साथ हमारे आज केजरीवाल जी फिर बोल रहे हैं कि जो सिपाही भी हमारे किसी ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो जाती है, मार दिए जाते हैं, किसी रेड पर गए, किसी डकैत की क्षेत्र में गए, उनको भी 1 करोड़ सम्मान राशि मिलनी चाहिए। हम वो काम करते हैं जो उस सैनिक के सम्मान में हो, हम वो काम करते हैं जो महिलाओं के सम्मान में हो। आज देखिए किसान फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है, ये तो वो काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनका काम है झूठ बोलना है। एक उत्तर प्रदेश का मंत्री टेनी, नहीं आप ये बता रहे कि किसान कांग्रेस कहां आपसे किनारे रहेगी, तो आप देख लीजिए दिल्ली में भी हमने कांग्रेस को कहां पर ले जाके खड़ा किया है, पंजाब में हमने कहां ले जाकर खड़ा किया है, और हम आगे मध्य प्रदेश में भी हम एक मेयर की सीट जीते हैं, हम चंडीगढ़ में भी मेयर की सीट जीते थे, उन्होंने अमित शाह ने गुणा भाग करके चंडीगढ़ की सीट को कब्जाया है पैसा देकर, क्योंकि इनका काम तोड़फोड़ करना है। हम फिर बता रहे हैं आपको कि हम अपने कार्यक्रमों के आधार पर, सर्वधर्म संभाव के आधार पर, हम महिलाओं की रक्षा भी करते हैं, किसानों की रक्षा की बात करते हैं। किशन लाल जी, अब आपके सामने आम आदमी पार्टी की चुनौती तो बड़ी ही है, क्योंकि ठीक है आप रेड वेड डालिए और जो गलत हो उसको आप पकड़िए जेल में डालिए, लेकिन ये बात तो सही है, गुजरात में सेंध लगाई दी है, पंजाब इन्होंने ले लिया है, और एक बात और भी है, कांग्रेस है लेकिन कांग्रेस जो है उसका नेतृत्व जो है वो दिशाहीन है। ऐसी स्थिति में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसको बीजेपी के मुकाबले में पाते हैं? पहले चीज तो एक साफ कर दूं मैं, मैंने कहा था कि हमारे आप के सम्मानित नेतागण मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, नंबर एक। ठीक। नंबर दूसरा, एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि किसी को हल्दी मिल गई थी तो वो कहा है कि मुझे शैतान कहा करो, शैतान सेठ जी कहा करो,
थोड़ा सा एक प्रदेश क्या मिल गया पंजाब, वो दिल्ली, इसके बाद पंजाब, तो हमारे आप भाई ये सपने देखने लग गए कि हम राष्ट्रीय नेता हो गए। ठीक। नंबर तीसरी बात बता, मैं ये बात चर्चा में है, चर्चे में है, अरे यार ये भ्रष्टाचार की बात करने वाली आप और इनके बड़े बड़े मंत्री भ्रष्ट हो रहे हैं, मैंने क्योंकि राजनीतिक बात है, जब माने हमारे केजरीवाल साहब जी आए थे, कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी बताइए क्या। हाँ, सुन लीजिए, केजरीवाल जी आप आए थे तो लोगों को ये विश्वास जगा था कि ये बेईमानी खिलाफ बात करेंगे, विश्वास है लोगों, आज तो बिल्कुल इतना पारा गिर गया इनका, कहने का नहीं ये तो बेईमान की बेईमानी की बात करते करते खुद बेईमान हो गए। अच्छा चलिए हम घर आ जाइए, सवाल पर आइए, परमा जी आपके सवाल पर आ रहा हूं। सच्चाई ये है कि कहे पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में, इसी मुकाबले सुन के फिर दिखा देंगे, सुन लो, कहे पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में, ना कांग्रेस चक्कर में है, ना आप टक्कर में है, ना सपा टक्कर में, लोग मुझे अच्छी तरीके से मालूम है वर्मा जी, 14 में चुनाव हो रहा था, यही तमाम से सारे दल विपक्षी, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे सपा के हों, वो कह रहे थे कि अगर माननीय मोदी जी की सरकार आ जाएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, अच्छे आम हो जाएगा, यहाँ मोदी जी की सरकार आ जाएगी हिंदू मुसलमान झगड़े हो जाएंगे, यहाँ मोदी की सरकार आ जाएगी तो यहाँ व्यवस्था फैल जाएगी, अशांति अशांति। आज माननीय मोदी जी की सरकार आई, सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ आराम से रहना है, कहीं झगड़ा नहीं है, आखिरी सवाल, कुचल के धर दिया है किशन लाल जी, व्यवस्था एक मिनट दिया, गरीबों को कम से कम 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को हमें अनाज दिया, अच्छा मेरी बात सुन किशन लाल जी, मैं अभी आखिरी सवाल मदन जी से पूछूंगा और खाली आप उसमें डिटेल में जाइएगा, सीधा सा आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नंबर एक और नंबर दो किसको मानते हैं? हमसे मेरा सवाल, हाँ आप ही से है, हाँ, कैसा, हाँ एक और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, अब मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इनमें नंबर एक और नंबर दो किसको पाते हैं? हम किसी को नंबर नहीं देते हैं, हाँ, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह दिशाहीन हो चुकी है, परिवारवाद में डूब चुकी है, वो बिल्कुल उसका नेतृत्व ही नहीं है यहाँ पर कि कुछ अपना कार्यक्रम दे सके, ना उसका नंबर है, और आप आपका तो तस्वीर बिल्कुल सामने आ गई कि बेईमानों की बात करते हैं, कोई बेईमान हो गए, कोई नंबर नहीं आपके हिसाब से, कोई है, कोई नंबर नहीं, नहीं नहीं मान लिया कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में कोई नहीं है, इसके अलावा कोई है आपको देश में दिखाई दे रहा है? हमने क्या कहा कि हाँ। कहे पड़े हो चक्कर में, अच्छा चलिए कोई नहीं है टक्कर में, मदन जी कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, कह रहे हो कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में, थोड़ा संक्षेप में बताइए। 2024 का चुनाव अव्यवस्था बनाम व्यवस्था होगा, 2024 का चुनाव जवाबदारी का होगा, चुनावी वादों का नहीं गारंटी का होगा, इन्होंने जो जो वादे किए उसमें बिल्कुल धूल धूसरित हुए हैं, अच्छे दिन आएंगे वो कब आएंगे किसी को नहीं पता, आम आदमी पार्टी अच्छे दिन सरकारी व्यवस्थाओं में ला सकती है, उसके पास अच्छी योजना है, जी रहे हम लोग, उसके पास अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे कार्यक्रम है, उसको क्रियान्वयन कराने का तरीका है, क्योंकि स्वयं ब्यूरो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मेरा सवाल ये, तो ये बताइए कि 2024 मोदी बनाम केजरीवाल ही होगा? बिल्कुल होगा, होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी आपको, किशन लाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से अपने विचार व्यक्त किए, अब ये तो खैर भविष्य में पता लगेगा कि क्या होगा, लेकिन अपने अपने दावे भी पुख्ता है, उनमें भी दम है, जनता में भी एक मंथन चल रहा, अरविंद केजरीवाल और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, और फिर अगर आरोप हैं तो जेल में क्यों नहीं है, ये तमाम सवाल खड़े हैं। देखते रहिए विचार मंथन, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnews।